ITC एक मीम स्टॉक से लेकर आज वर्ल्ड की 236th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, चाहिए पुलिज्जत, जहां पर उसके स्टॉक्स 250 रुपए पर शेयर के प्राइस से ऊपर नहीं जा रहे थे, वहां आज 450 रुपए के भी हाई को तोड़ रहे हैं। तो क्या है ITC में, ऐसा क्या हुआ, क्या उसकी बिजनेस है, वो सारी चीजें आज हम एनालिसिस करेंगे। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारी चीजें आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगी। तो आज के वीडियो में हम लोग टोटली ITC के बिजनेस को जानेंगे, उसकी प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज, फंडामेंटल, सारी चीजें जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। वेल, स्मोकिंग का कल्चर हमारे इंडिया में बहुत पुराना है, और थैंक्स टू पुर्तगीज जो 1605 में टोबैको कल्टीवेशन को इंडिया में स्टार्ट किया था, और इसी टोबैको कल्टीवेशन को देखकर ब्रिटिशर ने सोचा कि क्यों ना इंडिया में ही सिगरेट मैन्युफैक्चर किया जाए, और 1910 में इंपीरियल टोबैको कंपनी की शुरुआत की। और वो कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे इंडियंस के हाथों में आते आते उसका नाम चेंज होकर हो गया ITC, और तब से लेकर आज तक इस कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो सिगरेट से ही रिलेटेड रह चुकी है। अब ITC के सक्सेस के ऊपर गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इनिशियली स्टार्टिंग में ही गवर्नमेंट ने सिगरेट्स, टोबैको और टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट पे बैन लगा दिया, जिसके कारण जो नई कंपनीज थी वो नहीं आ सकती थी। और इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको इंडिया में लाइसेंस की जरूरत होती है, वो भी गवर्नमेंट अब प्रोवाइड नहीं करती है। और तीसरी जो मेजर चीज गवर्नमेंट ने की है कि जो FDI है, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो भी टोबैको बिजनेस में आकर पार्ट नहीं ले सकते हैं। और ये सारी चीजें मिलकर ITC को सिगरेट बिजनेस में एक मोनोपोली किंग बनाती है। और अगर हम लोग इंडिया की, इंडियन मार्केट की ही बात करें, तो सिगरेट बिजनेस की ऑलमोस्ट जितने भी लीगल सिगरेट मार्केट की बिजनेस है उसमें 80% हैंडल सिर्फ ITC करती है, और ITC की जो प्रॉफिट्स है वो भी 75% सिर्फ सिगरेट बिजनेस से आती है। तो आगे हम लोग और भी चीज जानेंगे, तो पहले हम लोग बात करते हैं कि रेवेन्यूज के बारे में। तो अब आप बोलोगे कि बिजनेस कंप्लीटली सिगरेट बेसिस पर है, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, गवर्नमेंट एंटी स्मोकिंग एड्स चला रही है, कैंपेन चट रन कर रही है, तो इसके ऊपर ITC का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। हालांकि हाँ भी और नहीं भी। सो अगर आप देखो तो इन सभी चीज़ों की वजह से इनके रेवेन्यूज पे तो असर ज़रूर पड़ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ITC प्रॉफिट्स नहीं बना रही है। अपने सिगरेट्स की प्राइस इंक्रीज कर रही है, उसके स्टिक साइज को डिक्रीज कर रही है, और सिगरेट्स एक एडिक्टिव प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से जो कंज्यूमरिज्म है, जो कंज्यूमर डिमांड है, वो कंसिस्टेंट बना रहता है। और इसकी वजह से जो ITC अपने सिर्फ सिगरेट बिजनेस से काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स बना रही है। सो अब आते हैं ITC के सिगरेट बिजनेस के फाइनेंशियल्स पे। तो इनकी रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, मार्जिन, सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर 2016 से लेकर 2022 तक के फाइनेंशियल ईयर्स की डेटा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। रेवेन्यूज में अगर आप देखो तो रेवेन्यूज कंटिन्यूअसली गिर रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट एक यहाँ पर आके पिछले 2-3 साल से एक मार्जिन पर आके रुक चुकी है। बट अगर आप प्रॉफिट्स एंड मार्जिन की अगर बात करो, रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स के बीच की जो मार्जिन है वो एक अच्छे लेवल पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर 2016 में देखो तो प्रॉफिट्स आपको बहुत कम थे, ठीक है, फिर प्रॉफिट्स थोड़े इंक्रीज होना शुरू हुए, मार्जिन बट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स में बहुत कम था, 36%, 34%, फिर 2018 में 58%, 70%, 77%, 70%, 62%, 63%। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो प्रॉफिट मार्जिन है, रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट के बीच में जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा है। तो इसका मतलब ये इंडीड है कि जो रेवेन्यूज हैं, जो आज लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, नॉन स्मोकिंग कैंपेन्स हो रहे हैं, उसकी वजह से रेवेन्यूज ज़रूर फ़र्क पड़ रहा है, गवर्नमेंट नए टैक्सेस ला रही है उसकी वजह से, बट जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो ITC का बहुत अच्छा जा रहा है। सो ये बात थी ITC के सिगरेट बिजनेस की। अब बात करते हैं ITC के FMCG बिजनेस की, जो कि है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो 2001 में ITC ने अपनी फर्स्ट शुरुआत की थी FMCG बिजनेस में, जिसका नाम था किचन्स ऑफ इंडिया, जहां पर वो रेडी टू ईट खाना बनाती थी, मतलब पैकेज बनाती थी। तो हालांकि ये बिजनेस उस समय नहीं चल रहा था, बट धीरे धीरे ITC ने इंट्रोड्यूस किया आशीर्वाद आटा और सनफीस्ट बिस्किट, जो कि इसकी काफी अच्छी प्रोडक्ट निकली इन टर्म्स ऑफ FMCGs में। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की FMCG में, जैसे यप्पी नूडल्स हो गया, जो आप यप्पी नूडल्स खाते हो वो हो गया, फिर कॉफ़ीज़ हो गए, फिर स्पाइसेस के बिजनेस में आई। तो इन शॉर्ट समझो कि ITC की जो FMCG बिजनेस है वो काफ़ी अभी अभी के सिनेरियो में अगर देखो तो काफ़ी अच्छी मार्केट वैल्यू हो चुकी है ITC की, बट ये इन्वेस्टर्स को खुश नहीं कर रही है। अब मैं बताता हूँ इसके कुछ फाइनेंशियल्स को लेकर। तो फाइनेंशियल अगर हम लोग देखें तो 2022 में FMCG में ITC ने ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। बट अगर हम लोग रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स की अगर बात करें तो वो कुछ खास नहीं है। सो अगर आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स की बात करो,
FY 2022 की, तो EBITDA मतलब जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को अगर हम लोग लेते हैं तो वो मार्जिन था 9.1% की प्रॉफिट्स थी। बट अगर वहीं पे अगर हम कंपेयर करें HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर का, जिसके आम प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी EBITDA मार्जिन थी 23-24% लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा गैप है। हालांकि FMCG बिजनेस जो है वो बहुत लॉन्ग रन का बिजनेस है, क्योंकि उसमें ब्रांड एस्टैब्लिश करने में, प्रोडक्ट यूज टू होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं सिर्फ FMCG की वजह से ITC पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि EBITDA में एज कम्पेयर टू इट्स राइवल कंपनीज जैसे HUL हो गए, हिंदुस्तान लीवर हो गई, उसके अकॉर्डिंग अगर आप EBITDA देखो तो वो काफ़ी कम है। सो नेक्स्ट जो इसकी प्रोडक्ट है वो है एडुकेशन और स्टेशनरी रिलेटेड, जैसे पेपर क्राफ्ट को इसने 2002 में इंट्रोड्यूस किया था, 2003 में क्लासमेट को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि आज स्टेशनरी में बहुत बड़ा नाम है। तो हालांकि ये भी कुछ खास प्रॉफिटेबल नहीं है ITC के, इसमें वो हम लोग लास्ट में देख लेंगे कि कौन सी बिजनेस ITC की सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और नेक्स्ट जो मेजर आ रही है वो है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में भी बहुत लोगों को नहीं पता है कि ITC एग्रीकल्चर बिजनेस भी है, बट ITC जो रॉ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट करती है आउट ऑफ द इंडिया, जिसमें से मेजर जो उसका एक्सपोर्ट है वो है टोबैको लीफ। सो अगर हम लोग फाइनेंशियल्स की बात करें तो FY 2022 में एग्रीकल्चर बिजनेस में ITC ने ऑलमोस्ट 16,100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, बट जिसमें से वो सिर्फ 1,000 करोड़ ही प्रॉफिट्स बना पाई, विच इज ऑलमोस्ट 6% ही है जो मार्जिन है, ठीक है। तो वो भी बहुत खराब भी नहीं है बहुत अच्छा भी नहीं है। और बेसिकली जो एग्री बिजनेस है वो डिपेंड करता है आपके क्लाइमेट चेंज पे। अगर किसी दिन किसी ईयर आप समझ लो कि क्लाइमेट बहुत बुरी हो गई और वो कल्टीवेशन हुआ ही नहीं, तो उस बेसिस पे ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है एग्री बिजनेस पर। सो नेक्स्ट आता है ITC की होटल बिजनेस। तो होटल बिजनेस एक खुद में एक बहुत बड़ा कैपिटल रिक्वायरमेंट बिजनेस है, जिसमें से आपको उससे प्रॉफिट बनाने में काफ़ी लॉन्ग टाइम लग जाता है। तो अगर उसमें फाइनेंशियलीज भी हम लोग चेक कर लें तो रेवेन्यूज FY 2022 की थी 1,347 करोड़, जिसमें से उसने 2% से भी कम प्रॉफिट्स जनरेट किए थे। हालांकि पैंडेमिक के कारण वैसे भी होटल बिजनेस जो है वो बहुत वर्ल्ड वाइड ग्लोबली बहुत इम्पैक्ट किया है। तो इसके रिलेटेड हम लोग इसको देख सकते हैं कि ऑन लॉन्ग रन कैसे काम करता, बट ऑलमोस्ट अगर हम लोग समराइज करें तो होटल बिजनेस जो ITC की है वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही है। सो नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस, जो ITC की इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो 2000 आई थिंक स्टार्ट हुई थी, और वो भी ग्लोबली अपनी ITC सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन सेक्टर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, कंज्यूमर पैकेजिंग फूड्स, रिटेल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सर्विस, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी। तो ये सारे बिजनेस में अपने ITC सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो ये भी कुछ खास इसके फाइनेंशियल्स नहीं रहे हैं अगर आप देखो तो, ज़्यादा रेवेन्यू नहीं है। अगर FY 2022 की हम लोग बात करें तो रेवेन्यू 2288 करोड़ ही थी, नेट प्रॉफिट जिसमें से 518 करोड़ था। तो इट्स काइंड ऑफ वेरी गुड काइंड ऑफ प्रॉफिट्स। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग समराइज करें ITC के बारे में, तो FY 2022 में अगर हम लोग ग्रॉस रेवेन्यू की बात करें ITC की, तो 60,000 करोड़ थी, जिसमें से 15,000 करोड़ उन्होंने प्रॉफिट बनाया। अब यहाँ पर अगर आप दिखाऊं मैं आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ITC की प्रॉफिट वाइज कंट्रीब्यूशन है वहाँ पर 78% सिर्फ सिगरेट बिजनेस है, FMCG बिजनेस सिर्फ 4.5% है, होटल बिजनेस 1% के लॉस में है, एग्री बिजनेस 5.5, FMCG से भी अच्छा परफॉर्म कर रही है एग्री बिजनेस, और पैकेजिंग बिजनेस है 8.5 और अदर्स 3.5। तो ये है कंट्रीब्यूशन होल ITC के बिजनेस का उसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स में। तो अगर आपको लग रहा है कि आप एक FMCG बिजनेस को लेकर ITC को इन्वेस्ट कर रहे हो, तो लेट मी क्लैरिफाई इट, वो FMCG बिजनेस नहीं है ITC। ITC कंप्लीटली अभी भी सिगरेट्स पे चल रही है, उसकी पैकेजिंग पे, एग्रीकल्चर बिजनेस पे चल रही है, तो बेसिक जो है वो बेसिकली सिगरेट बेसिक कंपनी ही है। बट ऐसा अगर मैं आपको बात करूँ कि ऐसा क्या हुआ जो इन्वेस्टर्स अचानक से जो इसकी स्टॉक प्राइस बढ़ रही है और क्यों बढ़ रही है, तो सिंपल सी चीज़ है, जो ये बिजनेस है ना टोबैको और टोबैको रिलेटेड जो बिजनेस है वो एक्चुअली ITC एक रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। तो कुछ भी हो जाए, जो एडिक्टिव प्रोडक्ट्स हैं वो पीपल कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, एंड ITC को बखूबी पता है कि उससे वो प्रॉफिट्स कैसे बना सकते हैं, अपने प्राइस इंक्रीज करके, अपने स्टिक साइज को डिक्रीज करके वो कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें बखूबी पता है। तो इंडीड ITC इस बिजनेस में किंग है,
अगर रिसेशन भी आता तो उसकी वजह से भी इस बिजनेस को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इस साल फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी ITC में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की है। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो अबाउट द ITC कि आपको ITC की बिजनेस क्या है, आप ITC को कैसे देख सकते हो। तो मेरा मोटो आपको ये बताना नहीं है कि आपको ITC में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरा मोटो आपको ये बताना है कि ITC में जो कंपनी है उसको आप कैसे उसके रेवेन्यू बेस पे कर सकते हो और कब आपको इफेक्ट करेगा उस कंपनी को। जैसे अगर टोबैको को कुछ इफेक्ट होता है तो ITC की बिजनेस भी इफेक्ट करेगी, ITC के प्रॉफिट्स भी इफेक्ट करेगी। तो आपको उस तरीके से हर एक कंपनी को देखना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज फॉर यू गाइज। तो टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।